आगे देखिए। कंपनी में जो है पैकिंग बॉय की वैकेंसी है, वो जेप्टो के वेयर हाउस है उसमें मतलब वर्किंग होंगे। जो मिनिमम क्राइटेरिया है क्वालिफिकेशन की वो 10+2 है। अगर 10th भी हैं और अगर वो किसी भी आइटम के नाम पढ़ सकते हैं तो वो सिलेक्ट हो सकते हैं। 3 लोकेशन के लिए हायरिंग कर रहे हैं। अप्रोक्सीमेटली 250 के आसपास रिक्वायरमेंट है मैम, 250 पैकिंग बॉय की रिक्वायरमेंट है। वो 3 दिन इनका ट्रेनिंग होगा, 4 ऑफ जो है उनको दिया जाएगा मंथ में, उसका कोई डिडक्शन नहीं होगा, 4 ऑफ उसका मतलब पेड होगा। ये जो भी बाहर से पूरे ऑल इंडिया से लोग अप्लाई कर सकते हैं और कर भी रहे हैं। जो भी अप्रोक्सीमेटली मैम अभी जस्ट हम लोग का जो हुआ है उसमें अप्रोक्सीमेटली 120+ हम लोग अभी तक हायर कर चुके हैं। दूसरे हाउसकीपिंग का जो वीडियो आप डाले थे उसमें भी, और इसमें भी उम्मीद है कि बहुत सारे कैंडिडेट आएंगे। सब्सक्राइब कीजिए। जिप्टो में आई है पैकिंग बॉय की बल्क हायरिंग। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ज्यादा खास होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं डायरेक्टली एचआर को कॉल करके आपको पूरी जानकारी देने वाली हूँ कि जिप्टो में पैकिंग बॉय की जो वैकेंसी आई है, जिसमें 250 से भी ज्यादा लोगों को नौकरी दी जा रही है, इस वैकेंसी में अप्लाई करने के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होने वाला है, कितनी एग्जैक्टली आपको सैलरी दी जा रही है, कौन सी लोकेशंस पर ये वैकेंसी प्रेजेंटली आई है, और आगे चल करके कौन कौन सी लोकेशंस पर ये वैकेंसी आने वाली है। लेकिन दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे कहना चाहूंगी, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए, क्योंकि जॉब नाउ 24 को सारी ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन तो मिलती ही मिलती है, साथ ही साथ ग्राउंड लेवल की भी इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पर दिखाई जाती है। सो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, पुरानी वीडियोस भी देखिए, वो वीडियो भी आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल साबित होंगी ही होंगी। और बिना टाइम वेस्ट करें हम फटाफट से कॉल करते हैं एचआर को और पूरी जानकारी जानते हैं इस वैकेंसी के बारे में। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। सर, जैसा कि आपको ऑलरेडी काफी सारे लोग हमारे चैनल पर जानते हैं, तो सबसे पहला क्वेश्चन मेरा आपसे ये रहेगा कि अभी आप कौन कौन सी पोस्ट के लिए नई वैकेंसीज लेकर के आए हैं काफी सारे लोगों के लिए? जी जी मैम, अभी मैम हम लोग के कंपनी में जो है पैकिंग बॉय की वैकेंसी है। पैकिंग बॉय जो सुपर मार्केट है, ग्रॉसरी आइटम जो डेली नीड्स की सामान है, जो प्रत्येक दिन की जो जरूरत का सामान है, उसके लिए ना ऑर्डर आते हैं, उसको पैक करके वो काउंटर पे बस दे दिया करे। तो अभी मतलब कौन कौन सी कंपनीज के लिए ये हायरिंग्स आई हैं? जी मैम, ये मेट्रो लाइट के पेरोल पे हायरिंग है, और इनको जो काम करना है वो जेप्टो के स्टोर में काम करनी है। जेप्टो के स्टोर पर? हाँ जी, हाँ जी, जेप्टो का स्टोर है, वेयर हाउस है, उसमें मतलब वर्किंग होंगे। वहीं पे ऑनलाइन ऑर्डर आते हैं, मतलब यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट कोई किसी से मतलब कन्वर्सेशन नहीं है, ऑनलाइन ऑर्डर आएगा, उसको जो है पैक करके काउंटर पे डिलीवर रखना है बस। तो एक चीज और मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि इस वैकेंसी के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए, कौन कौन से लोग इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं? जी जी मैम, पहली बात तो मैं ये बता दूं, इस अभी फिलहाल ये इस वैकेंसी के लिए केवल और केवल मेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। और जो मिनिमम क्राइटेरिया है क्वालिफिकेशन की वो 10+2 है। अगर 10th भी हैं और अगर वो किसी भी आइटम के नाम पढ़ सकते हैं, इंग्लिश में रहेगा, जैसे अगर चीनी ही लिखा रहेगा तो उसको वो शुगर लिखा रहेगा, तो अगर वो छोटे छोटे आइटम का नाम वो पढ़ सकते हैं तो इसके हिसाब से वो अगर यहाँ पे इंटरव्यू होते हैं तो वो सिलेक्ट हो सकते हैं। मिनिमम क्वालिफिकेशन ये है कि अगर कोई 10th पास है, 12th पास है, उसके साथ साथ उसे जो है अच्छे से रीड करना आना चाहिए कि क्या लिखा हुआ है, क्योंकि अल्टीमेटली उसे पैकिंग करनी है, साथ ही साथ फोन चलाना भी आना चाहिए सर। जी जी मैम, इसमें क्या है ना कि वो जो ऑर्डर आएंगे ना, इसके लिए जितने भी शिफ्ट पे वर्कर रहेंगे उनको एक एक हैंडसेट दे दिया जाएगा, जो अपना शिफ्ट खत्म होने के बाद वहीं पे जमा करना पड़ता है, उसी पे उनको ऑर्डर आएगा और उसी को एक्सेप्ट करके फिर वो उसको जस्ट रीड करेंगे, उसको एक कैरी बैग में पैक करेंगे और हर एक आइटम को स्कैन करके पैक करेंगे। किसी को भी वेट करने की कोई ज़रूरत नहीं, किसी को खोलने की कोई ज़रूरत नहीं, सबका पैकेट बना हुआ है। अगर वो आधा केजी चीनी है या आधा केजी आलू ही है, कुछ भी है, तो उसका पैकेट बना हुआ है, क्यूआर कोड लगा हुआ है, बस वो सामान को उठाना है, स्कैन करना है, कैरी बैग में डालना है और वो कैरी बैग जो है काउंटर पर रख देना है बस। ओके, तो लगभग कितनी वैकेंसीज आई हैं सर? 100, 200, 250, 300 कितनी वैकेंसीज आई हैं? 3 लोकेशन के, ऑल ओवर मुंबई।
और तीनों लोकेशन की मिला के अप्रोक्सीमेटली 250 के आसपास रिक्वायरमेंट है मैम, 250 पैकिंग बॉय की रिक्वायरमेंट है मैम। अच्छा सर, जैसे अभी आप इन तीनों लोकेशन के लिए हायर कर रहे हैं, आगे चल करके क्या और लोकेशंस पर भी आ सकती हैं क्या वैकेंसी? एग्जैक्टली मैम, बहुत ही जल्दी राजस्थान में हम लोग की रिक्वायरमेंट होगी, बहुत ही जल्दी हम दिल्ली NCR से बाहर भी रिक्वायरमेंट डालेंगे, और अभी भी मैम बहुत सारी अलग अलग वैकेंसी भी में भी रिक्वायरमेंट है वो, बट अभी पैकिंग बॉय की जैसे ही कुछ और लोकेशन के लिए हायरिंग होगी तो जरूर बता दिया जाएगा, बट अभी फिलहाल ये तीन लोकेशन के लिए हायरिंग है। ओके, क्या सैलरी पैकेज सर दे रहे हैं, कितना लगभग जो पे स्केल है वो दिया जाएगा लोगों को? मैम अभी सैलरी जो रहेगा वो 3 दिन इनका ट्रेनिंग होगा, वो बता दिया जाएगा कैसे ऑर्डर रिसीव करना है, उसको कैसे मतलब QR कोड स्कैन करके पैक करना है वो, और ये 3 दिन के बाद उनका जो है अपने शिफ्ट पे डिप्लॉयमेंट होना शुरू हो जाएगा। ये 3 दिन वो किसी और के साथ काम करेंगे, और उसके बाद जैसे ही उनका डिप्लॉयमेंट होना शुरू होता है तो उनको 13,000 इन हैंड सैलरी से स्टार्ट हो जाएगी, 13,000 उसका इन हैंड सैलरी होगा उस, और 4 ऑफ जो है उनको दिया जाएगा मंथ में, उसका कोई डिडक्शन नहीं होगा, 4 ऑफ उसका मतलब पेड होगा। तो 4 दिन छुट्टी होने वाली है महीने में, बाकी दिन वर्किंग है, 13,000 इन हैंड सैलरी आप लोगों को दे रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी, 8 घंटे की ड्यूटी है, 13,000 इन हैंड सैलरी। PF ESIP सर प्रोवाइड करेंगे क्या? मैम अभी जस्ट स्टार्ट कर। डॉक्यूमेंटेशंस क्या क्या रिक्वायर्ड रहेंगे अगर कोई अप्लाई करना चाहता है, और अगर आपके पास डायरेक्ट आता है तो क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड रहेंगे इस वैकेंसी को ज्वाइन करने के लिए? जी जी मैम, उसका ID कार्ड है, आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक पासबुक, ये 3 चीज़ है, इसके साथ साथ एक क्वालिफिकेशन के लिए डॉक्यूमेंट्स लेके आ जाए। मैम थोड़ा सा मैं एक डिस्क्राइब कर दूँ कि इसमें ना एज का थोड़ा सा लिमिट है, कि मतलब बहुत ज़्यादा एज का अप्लाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अप्रोक्सीमेटली 35-40 के अंदर वाले ही अप्लाई कर सकते हैं, 35 तक मैक्सिमम। अच्छा, मतलब 18 से जिनकी उम्र 40 तक है, 40 के बीच तक है, वो लोग अप्लाई करें। ओके, खाना पीना भी आप प्रोवाइड कर रहे हैं या सर मतलब उनको खुद से अपना अरेंज करना होगा? अभी जो भी बाहर से पूरे ऑल इंडिया से लोग अप्लाई कर सकते हैं और कर भी रहे हैं, जो भी लड़का यहाँ पे पहुँचेंगे, अच्छा लग रही है कि बाद में भी कहीं से भी किसी भी प्रकार की दिक्कतें आती है तो हमारी टीम है वो हमेशा उनके साथ रहेंगे, और हम लोग हमेशा उनसे कोऑर्डिनेशन में रहेंगे, हमारे हेल्पलाइन नंबर हमेशा एक्टिव रहते हैं 24/7। ओके, तो ठीक है सर, मैं ये वीडियो लाइव कर देती हूँ, और मैं उम्मीद करती हूँ कि 250 सारे लोग, जितने भी लोग आपके यहाँ सेलेक्ट होते हैं वो शायद मेरे चैनल से ही हूँ, मैं इस चीज़ की उम्मीद करती हूँ, और आई होप सर आपको भी जो हमने पहले जो वीडियो डाली होगी काफ़ी सारे लोग उसमें भी सेलेक्ट हुए होंगे। कितने लोग लगभग सेलेक्ट हुए थे सर उसमें? अप्रोक्सीमेटली मैम अभी जस्ट हम लोग का जो हुआ है उसमें अप्रोक्सीमेटली, क्योंकि बहुत सारे लोग इस बार जो हैं आप जिप्टो जैसी बड़ी कंपनी में सेलेक्ट करवाने वाले हैं वो सेलेक्ट हों, और थैंक यू सो मच सर इतनी सारी जानकारी देने के लिए। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू। सो गाइज आई होप सर ने आपको बहुत सारी जानकारी दी, और अगर आप जिप्टो जैसी बड़ी कंपनी में काम करना चाहते हैं, नोएडा, गुड़गांव, दिल्ली, डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, काफी सारे लोग कहते हैं कि मैम अप्लाई लिंक दिख नहीं रहा है, आप गौर से देखिए इस तरीके से आपको अप्लाई लिंक जो है वो दिख जाएगा। हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं अप्लाई लिंक जरूर डालती हूँ, इनकेस अगर आपको कोई डाउट आता है तो आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल साबित हुई होगी, और अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल साबित हुई है तो आप इसे लाइक कीजिए, क्योंकि यही एक ऐसा चैनल है जहां पर आपको ग्राउंड लेवल के साथ साथ ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन भी मिलती है। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, कोई नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।